देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन जलाली नगर पंचायत में जीत मिली बसपा प्रत्याशी फतेह सिंह कुशवाहा। 1995 में सभासद का चुनाव हारने वाले फतेह सिंह आज जलाली के चेयरमैन बन चुके हैं। पहली बार फतेह सिंह वार्ड नंबर 2 से सभासद का चुनाव लड़े और उसी साल वार्ड नंबर 9 से उनकी माता लीलावती चुनावी मैदान में थी। उस चुनाव में खुद फतेह सिंह चुनाव हार गए, लेकिन उनकी माता चुनाव जीत गई। उसी समय से वह सभासद माँ के कार्यों को देखने लगे और आज तक समाज सेवा ही कर रहे हैं। आखिरकार 52 साल की उम्र में नतीजा उनके पक्ष में आया और वे आज जलाली के चेयरमैन बन चुके हैं। जनता में खुशी की लहर है। रिजल्ट के दिन जनता का हुजूम फतेह सिंह जिंदाबाद का नारा लगाते देखने गया। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे लोग उनके लगन की तारीफ कर रहे हैं। जनता को उनसे बड़ी उम्मीद है। हमारे संवाददाता राजपाल सिंह ने उनसे नगर पंचायत जलाली के विकास कार्यों के संबंध में विस्तार से बातचीत की। साथियों नमस्ते, आइए जनपद अलीगढ़ के नगर पंचायत जलाली में हूँ। जलाली के यहाँ नव निर्वाचित सीएम है फतेह सिंह जी कुशवाहा हैं मेरे साथ में, तो आइए उनसे बात करते हैं। वो कौन कौन से मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़े और किस किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ने के बाद में आज वो जीते हुए प्रत्याशी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे और जनता के लिए क्या क्या संदेश देना चाहेंगे। जी चेयरमैन साहब, पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं आवास और अब आपकी आप कौन कौन से मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़े थे? जलाली के विकास के सफाई है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, इन सब समस्याओं को लेकर चुनाव। तो अभी तो यहाँ आपसे पहले तो यहाँ भाजपा के चेयरमैन थे और भाजपा की सरकार रही है तो पैसा भी खूब मिलता था और वो कहते थे कि हमने बड़ा विकास कराया है, तो उनका क्या विकास था जो लोगों को पसंद नहीं आया? नहीं पसंद नहीं आया, पहले ही उनकी सरकार थी लेकिन विकास नहीं। नहीं अब आप विकास के लिए अब आप क्या करेंगे? विकास कराएंगे, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था, हमारे रोड को देखो सारा अंधेरा ही रहता है। मतलब ये आपके वो होगा जैसे आप वो कहेंगे पथ प्रकाश के लाइट की व्यवस्था। जी जी जी, वो इधर तीन नगला है हमारे यादव लोग, कौन कौन नगला भूमि है, उनमें लाइट व्यवस्था सही नहीं है, रोड व्यवस्था सही नहीं है। आप सही करेंगे। चेयरमैन साहब, हम आपसे ये और जानना चाहेंगे कि आपके मुकाबले पर कितने लोग लड़े थे लेकिन लोगों ने आप पर जो विश्वास जताया तो लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आपको? मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन लोगों का जो सहयोग मिला है, हो सकता है उन लोगों ने जो सहयोग मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि उनके उस पर खड़ा हो। हाँ तो अभी आपके मुकाबले पर कई लोग थे जिन्होंने लोगों ने जिनको उनमें से चुन करके आपको जिताया है? 9 प्रत्याशी। अच्छा, 9 में से कौन कौन सी पार्टी के थे? मैं सपा के थे, जमाई के थे, जादू वाले थे, केजरीवाल के, आप पार्टी के और बीजेपी। तो उनको लोगों ने नकार करके आप पर विश्वास जताया। अच्छा, आपका राजनीति से कैसे कैसे संबंध है? मैं 1995 में सभासद का इलेक्शन लड़ा था, वार्ड नंबर 2 से मैं हार गया था और मेरी माँ 10 नंबर वार्ड से लड़ी थी, वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव थी। क्या नाम था उनका? लालवती। अच्छा, लालवती जी भी चुनाव जीत गई थी, उस समय पर आप हार गए थे? मैं हार गया। अच्छा, 1995 से आप लोग संघ पड़े? संघ नहीं, पार्टी का काम करते हैं। बाकी चुनाव लड़ने जब इच्छा हुई तो चुनाव लड़ा। और अभी अब आपको पार्टी ने टिकट दी थी, आप टिकट पर चुनाव लड़े? अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप तो बीएसपी से यहाँ चेयरमैन हुए, तो यहाँ लोगों के विकास किस तरह से आप विकास कर पाएंगे जो लोगों का दिल जीत रहे हैं? किस तरह से विकास जीत पाएंगे? विकास करते हैं कैसे कराना है वो हम सब जानते हैं, कैसे कराना है कैसे नहीं। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार की भी मंशा ये है, केंद्र सरकार की भी ये है कि स्वच्छता मिशन से लेकर के कोई भी ऐसा कार्य न रहे। सरकार की मंशा प्रगति करना, विकास होना,
इसलिए आप उत्तर प्रदेश सरकार के जो बताए हुए मार्ग है उन पर चल करके आप विकास कार्य। चलिए साथियों, मेरे साथ में थे यहाँ जलाली से नवनिर्वाचित चेयरमैन फतेह सिंह जी कुशवाहा। डेली न्यूज के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आ रही हूँ।